हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हम अपने डिस्कशन को तीन गोल्डन प्रिंसिपल्स के अंदर अकाउंट्स को हम डिफाइन करना चाहेंगे अकाउंट्स इज ऑल अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट अब हमें क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है ये हमें गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बताते हैं तो वो गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग वो आपके सामने लिखे हुए हैं सबसे पहला गोल्डन प्रिंसिपल है डेबिट व्हाट क्रम्स इन एंड क्रेडिट वॉट ड्रोज आउट एंड दूसरा प्रिंसिपल दे दे है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द डिवर डेबिट ऑल द एक्सपेंसिस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेम्स अब हम इस चीज को इट एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहेंगे जैसे कि मान लो मैंने डेटर इट मेरा मान लो नमन लेट सपोज हमने नमन नाम के आदमी को इट सामान बेचा तो हमने क्या किया डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट वॉट ड्रोज आउट अब हमारा क्या आउट हुआ है स्टॉक आउट हुआ है तो स्टॉक को हम क्रेडिट करेंगे मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट ड्रोज आउट तो अब जब हमने सामान बेचा तो क्या हुआ नमन को हमने स्टॉक बेचा तो स्टॉक हमारा आउट हो चुका है तो मतलब स्टॉक को हमने क्या किया क्रेडिट कर दिया स्टॉक इज क्रेडिटेड ठीक है स्टॉक जब हमने सेल करी तो स्टॉक इज क्रेडिटेड ठीक है दूसरी तरफ दूसरी तरफ क्या हुआ डेबिट द दे रिसीवर क्रेडिट द गिवर दूसरा गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स ठीक है डेबिट द दे रिसीवर नमन ने रिसीव किया तो नमन मेरा डेटर बन चुका है नमन डेटर बन चुका है तो स्टॉक को मुझे क्रेडिट करना है नमन को मुझे डेबिट करना है लेकिन अब इसका लिंक आएगा नॉमिनल अकाउंट से अब मैंने नमन को सेल करा तो मैंने बोला नमन टू सेल्स एंट्री हो जाएगी क्यों नमन टू सेल्स तो ये ये क्या एंट्री है दिस इज़ रिलेटेड टू नमन नमन क्या है पर्सनल अकाउंट सेल क्या है नॉमिनल अकाउंट जैसा कि आपके सामने लिखा है कि जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट होते हैं उसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं तो जब हम सेल करते हैं तो क्या क्या क्या, क्या चीज़ें होती है सबसे पहले मैंने डेबिट द रिसीवर रिसीवर को है नमन तो नमन को मैंने डेबिट कर दिया ठीक है है ना डेबिट द रिसीवर फिर दूसरा क्या है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स तो मेरा इनकम क्या है टू सेल ठीक है तो ये फर्स्ट एंट्री मेरी कंप्लीट हो जाती है अगर मैं टू और थ्री को कंबाइन करके एंट्री डालता हूँ ठीक है अब लेकिन जब नमन को मैंने सेल करा तो मेरा स्टॉक भी आउट हुआ तो मैंने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट तो मेरा आउट यह हुआ स्टॉक आउट हुआ स्टॉक आउट तो मुझे क्या करना है स्टॉक को क्रेडिट करना है टू टू स्टॉक है ना लेकिन अब क्या हुआ होगा मेरा खर्चा भी तो हुआ होगा इस सेल के ऊपर जो स्टॉक की जो कॉस्ट है वो मेरे लिए एक्सपेंस है ट्यूटी अब वो तो मेरे पास रहा नहीं तो मैं क्या करूँगा इसका एक्सपेंस बुक करूँगा और मैं थर्ड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन पे आऊँगा और मैं एंट्री डालूंगा एक्सपेंसिस टू स्टॉक तो इसका मतलब क्या होता है जब सेल होती है तो ये तीनों गोल्डन प्रिंसिपल्स मिलकर दो एंट्री डलती है। अब ऐसे ही अगर मैं परचेज की एंट्री डालना चाहूँ तो क्या एंट्रीज होंगी? अब हम साथ में मिलके डालेंगे तो अब देखो जब मैंने परचेज़ किया तो मेरे पास आया क्या स्टॉक आया तो डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट ग्रोज आउट ठीक है अब जब हम परचेज करते हैं तो हमारे पास स्टॉक आता है और मेरी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर अब मुझे क्या है सामान मिला है तो मुझे क्या करना है क्रेडिट द गिवर मतलब मान लो लेट सपोज अब मैंने अमन से परचेज किया तो मुझे क्या एंट्री डालनी है क्रेडिट द गिवर मतलब टू अमन ठीक है टू अमन ठीक है टू अमन मतलब ये मेरी लाइबिलिटी है ठीक है टू अमन मुझे ये पैसा देना है तो क्रेडिट द गिवर ठीक है डेबिट वॉट कम्स इन अब आया क्या है मेरे पास स्टॉक आया है तो मैं क्या करूंगा स्टॉक को डेबिट कर दूंगा स्टॉक स्टॉक मैंने डेबिट कर दिया ठीक है अब लेकिन टू अमन कर दिया स्टॉक

और अब दूसरा गोल्डन गोल्डन प्रिंसिपल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट ड्रोज आउट तो अब कैश क्या हो रहा है मेरा आउट हो रहा है तो मुझे कैश को क्रेडिट करना है टू टू कैश तो इसका मतलब जो भी जर्नल एंट्रीज होती है ना इन्हीं तीन प्रिंसिपल से बनती है अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये हर एक एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है और एक हर एक एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस होता है मतलब एसेट एंड एक्सपेंसेस बोथ हैव डेबिट बैलेंसेस एंड लाइबिलिटीज एंड द इनकम बोथ हैव क्रेडिट बैलेंसेस अब हम मैं इस चीज को वेरीफाई भी कर देता हूँ ठीक है अब जैसे मानो आप है ना टू अमन अमन क्या है मेरी लाइबिलिटी ये मेरी लाइबिलिटी है ये वाली लाइबिलिटी है लाइबिलिटी है और सेल क्या है मेरे लिए इनकम तो आप देख सकते हो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें क्या है मेरी ठीक है ये दोनों चीज़ें मेरी क्या है वॉट इज दिस दिस इज दे बोथ हैव क्रेडिट बैलेंसेस तो इसका मतलब ये हुआ इनकम और लाइबिलिटी दोनों के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं सिमिलरली अगर मैं एसेट की तरफ आता हूँ तो एसेट क्या है जैसे नमन मेरा इसमें एसेट है मतलब डेटर है और और जैसे अब मेरा एक्सपेंस क्या है एक्सपेंस भी मेरा ये है तो मैंने बोला इसमें भी क्या होता है द बोथ हैव डेबिट बैलेंसेस तो ये सबसे पहले आपको अपने माइंड में बैठाना होगा कि डेबिट मीन्स एसेट एज वेल एज एक्सपेंस अब हमें ये बाइफर्केशन करना पड़ेगा दैट वाट इज एसेट वाट इज़ एक्सपेंस वाट इज़ लाइबिलिटी एंड व्हाट इज़ इनकम नाउ आर डिस्कशन ग्रोज इन टू दिस कॉन्सेप्ट तो एसेट क्या चीज़ होती है जो हमें फ्यूचर इकोनमिक बेनिफिट्स देगा मतलब जिससे फ्यूचर में हमें रेवेन्यू मिलने वाला है वो मेरा बेसिकली एसेट होता है ठीक है एक्सपेंस मतलब जो एसेट यूटिलाइज़ हो चुका है जैसे मान लो अगर मैंने इन्वेंट्री बेच दी तो क्या होगा एसेट मेरा यूटिलाइज हो चुका है तो वो मेरा खर्चा बुक हो जाएगा और लाइबिलिटी क्या होती है मुझे किसी आई ओ मनी टू यू मतलब मुझे आपको पैसा देना है तो वो लाइबिलिटी होती है और इनकम क्या होती है जो मैंने पैसा कमाया है तो वो मेरी इनकम होती है तो ये आपको ब्रॉड फ्रेमवर्क मायने में रखना है कि एसेट एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंसेस लाइबिलिटी और इनकम क्रेडिट बैलेंसेस और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है अब ये और चीज़ हमें ये समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि तो एसेट एंड लाइबिलिटी आपके ले के बैलेंस शीट में और जो इनकम और एक्सपेंसेस है वो आपके ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में तो उससे हमारी बैलेंस शीट और पी एंड एल बनता है तो आपको ये ब्रॉड फ्रेमवर्क माइंड में रखना है